गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लास इन श्री गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज। आई होप आप और आपकी फैमिली घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो सबसे पहले कॉलेज में, श्री गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम कुछ टाइम तक ये ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको स्टडी से रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैं आपको मैथ्स का पेपर टीच करवाऊंगी। तो कॉलेज में आपकी मैथ्स की टोटल 6 बुक्स होती हैं, और जो ये 6 बुक्स हैं ये आगे 3 पेपर्स में डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो जो ये 6 बुक्स हैं वो देखो कैसे हैं। तो आपकी 6 बुक्स में 3 पेपर्स हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट के अंदर 2 बुक्स आ जाती हैं आपके पास। फर्स्ट बुक का नाम है ग्रुप थ्योरी, जिसे हिंदी में हम समूह सिद्धांत भी बोलते हैं, और सेकंड बुक है मैट्रिसेस, जिसे हिंदी में मैट्रिसेस कहते हैं। इसी टाइप से पेपर सेकंड के अंदर फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस अवकलन गणित, और सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस समाकलन गणित। इसी टाइप से पेपर थर्ड के अंदर भी 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक है आपकी वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन की, और सेकंड बुक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। जैसे स्कूल लेवल में आप चैप्टर्स पढ़ते थे, अब आपके चैप्टर्स तो होंगे ही मैथ्स की बुक्स में, लेकिन वो चैप्टर्स आगे यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक यूनिट है, उस यूनिट के अंदर कोई 3 चैप्टर्स हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। इन तीनों चैप्टर को कंबाइन करके हम क्या कहेंगे, ये एक यूनिट फर्स्ट है, ठीक है। तो चैप्टर्स मतलब आगे जाके यूनिट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो आपके एक यूनिट के अंदर एक चैप्टर भी हो सकता है, एक यूनिट के अंदर 2 चैप्टर्स भी हो सकते हैं, और एक यूनिट के अंदर 3 या 4 चैप्टर्स भी हो सकते हैं। वो आपके यूनिट्स पे डिपेंड करेंगे कि उस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आपकी एक पेपर के अंदर हमने क्या कहा, 2 बुक्स होती है, और 2 बुक्स में टोटल यूनिट्स कितनी होती है, टोटल यूनिट्स होती है 5। टोटल जो यूनिट्स होती हैं आपके एक पेपर के अंदर वो होती हैं 5, ठीक है। लेकिन जो आपका फर्स्ट पेपर में ग्रुप थ्योरी की बुक है, इसमें टोटल 3 यूनिट्स होती हैं, और सेकंड बुक मैट्रिसेस में टोटल 2 यूनिट्स होती हैं। तो 3 और 2 टोटल मिलके कितनी बन गई, 5 यूनिट्स। तो इस टाइप से फर्स्ट पेपर के अंदर टोटल 5 यूनिट्स हो गई। इसी टाइप से सेकेंड पेपर में डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर 3 यूनिट्स होती हैं, और इंटीग्रल कैलकुलस में टोटल 2 यूनिट्स होती है। ये दोनों कंबाइंड होके कितनी बन गई, 5 यूनिट्स। इसी टाइप से आपके वेक्टर कैलकुलस के अंदर 2 यूनिट्स होती हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 यूनिट्स होती है। तो इस टाइप से ये कंबाइंड होकर भी क्या हो गया, 5 यूनिट्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से आपके 3 पेपर्स के अंदर 6 बुक्स हैं, और 6 बुक्स में भी क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं, और एक पेपर के अंदर टोटल 5 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो जो ये यूनिट्स हैं आगे आपके सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं हम पेपर का आपका पैटर्न किस टाइप से आता है। तो देखो आपके पेपर का पैटर्न क्या है, आपके एक पेपर के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस होते हैं कितनी, टोटल 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस के नेम देखो क्या हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो आपका पेपर 3 सेक्शंस में आगे डिवाइड हो जाता है, ए, बी और सी। जो ए सेक्शन है, ए सेक्शन के अंदर टोटल आपके पास 10 क्वेश्चंस आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस स्टेप से टोटल आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका टोटल बन जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये सारे ही 10 क्वेश्चंस आपके 1-1 मार्क्स के होते हैं। टोटल आपका ए सेक्शन कितने मार्क्स का हो जाता है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया आपका फर्स्ट सेक्शन, 10 मार्क्स का, ठीक है। अब इसमें आपके छोटे क्वेश्चंस में ए सेक्शन के अंदर डेफिनेशंस, कुछ फॉर्मूलास या बिल्कुल छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो 1-1 मार्क्स के होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस होते हैं वो पहले यूनिट से कंबाइंड होते हैं, पहले यूनिट से आते हैं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपका सेकेंड यूनिट से होता है। इसी टाइप से फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन आपका थर्ड यूनिट से, सेवन्थ और एट्थ आपका फोर्थ यूनिट से क्वेश्चन लिया जाता है,
इसी टाइप से नाइन्थ और टेंथ आपका फिफ्थ यूनिट से क्वेश्चन लिया जाता है. तो मींस एक यूनिट से ए सेक्शन में टू क्वेश्चंस लिए जाते हैं, छोटे क्वेश्चंस, ठीक है, डेफिनेशंस, फॉर्मूलास, कुछ भी. तो इस टाइप से आपका ए सेक्शन टोटल 10 मार्क्स का होता है, ठीक है. अब देखते हैं बी सेक्शन की बात. बी सेक्शन में क्या होता है, क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ए सेक्शन में आ गया, सेकंड क्वेश्चन आएगा आपका बी सेक्शन के अंदर. तो बी सेक्शन में सेकंड क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर भी कोई एक क्वेश्चन होगा, उसके अंदर इंटरनल च्वाइस होगी फर्स्ट और सेकंड में से. तो या आपको फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा या सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होगा. इसी टाइप से थर्ड क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप से फोर्थ, इसी टाइप से फिफ्थ और इसी टाइप से सिक्स. मतलब थर्ड में भी फर्स्ट और सेकेंड दो क्वेश्चन होंगे, इन दोनों में से कोई एक करना होगा. फोर्थ में भी फर्स्ट और सेकेंड में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा. फिफ्थ में भी इसी टाइप से फर्स्ट और सेकेंड में से कोई एक करना होगा. इसी टाइप से सिक्स क्वेश्चन में भी फर्स्ट और सेकेंड में से कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा. जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता होगा आप वही अटैम्प्ट करोगे. इसमें क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड होंगे, ये क्वेश्चन आपके सेकेंड यूनिट से रिलेटेड होंगे, ये क्वेश्चन थर्ड यूनिट से रिलेटेड, इसी टाइप से ये फोर्थ यूनिट से और ये फिफ्थ यूनिट से रिलेटेड होंगे. तो इस टाइप से इसमें एक यूनिट में से टू क्वेश्चन आते और दोनों क्वेश्चन में से क्या होती है, इंटरनल च्वाइस होती है, कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है. और जो बी सेक्शन में एक क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है. तो बी सेक्शन में टोटल कितने मार्क्स का पेपर बनता है, टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो टोटल मार्क्स इसमें हो जाते हैं 20, ठीक है. 4 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स के हैं, 5 × 4 = 20, टोटल 20 मार्क्स का बी सेक्शन आपके पेपर में आता है. इसमें आपके मीडियम साइज के क्वेश्चंस आते हैं. तो रह गया अब आपका सी सेक्शन. तो सी सेक्शन में क्या होता है, आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं. इनकी नंबरिंग 1 to 5 तक ना होकर क्या होगी, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है. इस स्टेप से 5 क्वेश्चंस होंगे. आपको इन 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, एनी 3, वन फ्रॉम ईच यूनिट. इसमें क्या होता है, एक यूनिट में से एक क्वेश्चन देते हुए टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं. 5 में से आपको कोई 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, कोई भी 3, तो आपकी चॉइस होती है, कोई भी 3 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. इसमें जो एक क्वेश्चन होता है वो 12 मार्क्स का होता है. तो टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं सी सेक्शन में. तो सी सेक्शन में टोटल मार्क्स जो होते हैं कितने मार्क्स का आता है, 36, 12 × 3 = 36. तो 36 मार्क्स का आपका सी सेक्शन होता है. ए सेक्शन आपका 10 मार्क्स का टोटली, बी सेक्शन टोटल आपका कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का, और सी सेक्शन आपका टोटली 36 मार्क्स का होता है. तो इस टाइप से आपका जो पेपर फर्स्ट है वो 66 मार्क्स का होता है, ठीक है. इसी टाइप से पेपर सेकेंड भी 66 मार्क्स का होता है, बट जो पेपर थर्ड है वो आपका 68 मार्क्स का होता है. पेपर फर्स्ट आपका टोटल 66 मार्क्स का होता है, पेपर सेकेंड वो भी 66 मार्क्स का होता है, और जो पेपर थर्ड है वो 66 का ना होकर 68 मार्क्स का होता है. उसमें भी पेपर का पैटर्न यही रहता है, ए बी और सी 3 सेक्शन ही होते हैं, ए में छोटे क्वेश्चंस, बी में मीडियम टाइप के क्वेश्चंस और सी में बड़े क्वेश्चंस. बट उसमें क्या होता है, ए सेक्शन के अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस ना होकर उसमें 12 क्वेश्चंस होते हैं. तो ए सेक्शन उसमें 10 मार्क्स का ना होकर 12 मार्क्स का होता है. तो ये 2 मार्क्स इसमें ऐड हो जाएंगे, 66 + 2 = 68.
तो इस टाइप से पेपर थर्ड आपका 68 मार्क्स का होता है। इसके साथ ही एक बात और कि सी सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं ये सीधा ही 12 मार्क्स का भी आपके पास क्वेश्चन बड़ा आ सकता है, या इसके भी आगे टू पार्ट कर सकते हैं, वो फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट 6 मार्क्स का हो सकता है, सेकेंड वो भी 6 मार्क्स का हो सकता है। तो इस टाइप से 6-6 मार्क्स के टू क्वेश्चंस भी हो सकते हैं एक क्वेश्चन के अंदर ही, या सीधा ही 12 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आपके पेपर के अकॉर्डिंग होगा, या तो एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन आ सकते हैं 6-6 मार्क्स के, या एक बड़ा क्वेश्चन वो 12 मार्क्स का सीधा ही दे सकते हैं। तो इस टाइप से आपका एक पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो ये आपका पेपर का पैटर्न था, टोटल आपके 66, 66 और 68, इन 3 पेपर्स के ये मार्क्स हैं। 66 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होता है, 66 का ही सेकंड पेपर और 68 का ही थर्ड पेपर। तो इस टाइप से टोटल आपके मार्क्स कितने का होता है मैथ्स का पेपर, 200 मार्क्स का। टोटल मार्क्स कितने होते हैं आपके तीनों पेपर्स के, 200। तो आपका मैथ्स का पेपर 200 मार्क्स का होगा, ठीक है।